मोटरसाइकिल सवार लुटेरिया वालों पिस्टल दिखा के 51,680 रुपए लुटन का समाचार मिलिया है। इस मौके ते उमेश कुमार तिवाड़ी सेलसमैन ने दस्या की रात करीब 8:30 ग्राहक नु तेल पाके बैठे से कि इन्हें नु नूर महल साहिब तो दो अनपछाते व्यक्ति जिन्हां दे मुंह बन्ने हुए सन ते जेब विचों पिस्तौल कढ़ के पैसे दी मांग करन लगे। हमारे सेलसमैन आशीष मिश्रा के हाथ विच फड़े 1500 रुपए खोल ले अते कहा कि जेब विचों भी पैसे कट दे नहीं तां गोली मार दियांगा मैं डरदे नहीं जेब विच पाए 50,180 रुपए ते दिते। तिवाड़ी ने दस्या के लुटेरिया ने सानू दोवां नू दफ्तर अंदर जाण नू कहा जदों असी दफ्तर अंदर गए तां एक हवाई फायर करके ओ भज गए। इस घटना संबंधी जदों थाना मुखी राजेश ठाकुर नाल गलबात कीती तां उन्हां दस्या कि लूट तो कुछ समा बाद ही फोन आया सी तां पुलिस तुरंत उत्थे पहुंच गई। थाना मुखी ने दस्या कि जो पिस्टल नाल गोली चलाई गई सी ओ नकली सी ते नकली गोली दा प्लास्टिक दा कवर बरामद कर लिया है। थाना मुखी ने दस्या कि पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू कर दी है। याद रहे कि एक दिन पहला ही नूरमहल विखे भी एक दे पेट्रोल पंप तो 45,500 रुपए लुटेरिया वालों लुटे गए सन। शक प्रगट किया जा रहा है दोनों पंपां दी लुट विच ही दोवे अणपछाते व्यक्ति हन। पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। फिलौर तो राजकुमार नंगल दी रिपोर्ट। हां जी, हमारा पंप फरवाला और हम लोग 8:30 बजे लगभग मशीन के पास बैठे थे, पेट्रोल मशीन के पास। और इधर नूर महल साइड से दो आदमी 8:30 बजे बाइक से आए और आने के बाद सीधे पिस्टल निकाल के लगा दिए, बोले पैसे दे दो नहीं गोली मार दूंगा। हम लोग कुछ क्षण देखते रहे, लेकिन उन्होंने जब कनपट्टी पे लगा दिए तो ऐसी स्थिति में हमने उनको पैसे निकाल करके दिए। हमारा सेल्समैन आशीष कुमार मिश्रा कुछ पैसे हाथ में लिया था, पैसे दिया। पैसे देने के बाद वो लोग बोले कि आप ऑफिस जाइए। ऑफिस पैसे थे सर जी, पैसे थे 51,780 रुपये लगभग। 8:30 बजे की घटना है, 8:35 की। फिर क्या बोले, दफ्तर में चले? फिर वो बोले कि आप दफ्तर में चलो। तो हम लोग, वो दफ्तर के लिए आ रहा था आशीष कुमार मिश्रा और मैं साइड से जा रहा था, तो मुझको बोला इधर आओ नहीं गोली मार दूंगा। ऐसी स्थिति में मैंने दफ्तर सामने आया, जैसे ही दफ्तर के अंदर मैंने अंदर आया, उसने एक पैर दफ्तर के अंदर रख करके फायरिंग किया। फायरिंग करने के बाद वो आदमी चला गया और मैं, हमारा पंप फरवाला एचपी पे उमेश कुमार तिवारी, मैं एक सेल्समैन के रूप में कार्य करता हूँ। कहाँ लगा फायर? फायर जो किया, हवाई फायर किया उसने, कहीं लगा नहीं है। पुलिस कितने देर में आ गई थी? पुलिस लमसम मान के लिए 25 से 30 मिनट में आई पुलिस। जो गोली चली फायर किया उसने, उसका खोल मिला? उसका खोल पुलिस का, हाँ, पुलिस के हाथ लगा हुआ है और पुलिस वाले ने देखा और हमारे पंप पे जो सीसीटीवी कैमरा चल रहा है उसकी वीडियो पूर्ण रूप से SHO साहब वीडियो निकाल के ले गए हैं और जो कार्यवाही है वो कार्यवाही कर रहे हैं। नहीं, रात में कोई पेट्रोलियम कोई नहीं, दिने भी नहीं आते, रात में नहीं आते, दिने भी कोई नहीं आता जी। पहले आते थे? हम बता नहीं सकते, इसकी निजी जानकारी नहीं है, चूँकि हमें 3-4 महीने हुआ यहाँ काम करते और 3-4 महीने में, 4 महीने में पुलिस वाले ऐसे जैसे कहीं जा रहे हैं तो चले आए, तेल डलवाना हुआ तो चले आए, बैठ गए आधा घंटा 10 मिनट 20 मिनट, ऐसे पूछ के से नहीं आए सब ठीक है, ऐसे कभी नहीं पूछा उन्होंने? नहीं, ऐसे कोई ऐसी कोई हालात नहीं थी जिसको उनको पूछने की जरूरत मतलब पड़े। वैसे भी वो पूछते थे जब आते थे, तेल डलवाते थे, कैसे हो, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, ऐसी समस्या पूछते थे। पर रात में ये नहीं है कि रात में यहाँ पुलिस आए और यहाँ गश्त लगाया, यहाँ देखभाल हो। रात कोई 8:30 बजे फरवाला, अपने फरवाला पिंड के बाहर मेन रोड नूरमहल रोड से हमारा पेट्रोल पंप है HP का, 8:30 बजे दो बंदे मोटरसाइकिल पर आए जिन्हों को एक पिस्टल वर्गी कोई चीज़ सी जिन्हों दिखा के मुख्य के सेल्समैन तो करीब 50,000 रुपये लैके गए हैं। तो वो संबंध में असं FIR दर्ज करती है तो अगे तफ्तीश कर रहे हैं, अगर उन्होंने जल्दी से जल्दी अरैसट किया जाए। सर जिदा इस तो पहला भी एक दिन पहला नूरमहल विखे भी पंप लुटे गया कि तुम मानते हैं कि भी यही लोग हो सकते हैं? असं उन्होंने जो फुटेज मंगा रहे हैं जो नूरमहल वाले की भी है, वो फुटेज में तो आ फुटेज मिला के जे इको गैंग होया तो दोवे थाने की पार्टी इकट्ठिया करके उन्होंने अरैसट करेंगे। सर एक गल हो रहा भी जिदा हम इलेक्शन चल रही उम्मीदवार आते हैं अपना प्रचार कर
ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਲਿਸ ਉੱਧਰ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਗਈ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਊਟੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਟਰੇਸ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਸ਼ਤ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ FST ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 24 ਆਵਰਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਦੋ ਦੋ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਵਰਕ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ।